निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात, फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम मौजूद हैं जीबी कलंदर्स क्रिकेट एकेडमी में, जो कि महेश अब्बास ने अपनी मदद आपके तहत खुद बनाई है, और ये गिली बल्लिस्तान की पहली एकेडमी है जहाँ पे नौजवानों को क्रिकेट की बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है। तो आज हम इस एकेडमी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल हमारे साथ महेश अब्बास भी मौजूद है और चंद सीनियर प्लेयर्स भी मौजूद है कि ट्रेनिंग के बारे में कि किस तरह मतलब जीबी के जो क्रिकेटर्स हैं यहाँ से पंजाब में जाकर किस तरह वो अपने हुनर का लोहा मनवा सकते हैं। तो हमारे साथ रहेगा। तो इस वक्त हम जीबी कलंदर्स क्रिकेट एकेडमी के ओनर महेश अब्बास के साथ मौजूद है। तो हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि जीबी की सतह पर भी एक एकेडमी होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया जी। ये काफ़ी साल पहले मेरे दिमाग में था, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ से हमारे लड़के जो क्रिकेट के शौक़ रखते हैं वो पंजाब या दूसरे इलाके कराची दूसरे शहरों में जाते हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे उनका हॉस्टल रेंट देना पड़ता है, एकेडमी फीस ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो बहुत सारे अखराजात होते हैं उनके, तो वो उधर जा के टाइम दे के नहीं खेल सकते हैं। तो ये मेरा जहन में आइडिया था कि इधर ही एक सेटअप हो जाए तो वह सारे चीज़ें आसानी होंगे प्लेयर के लिए। तो यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे इलाके छोटी सी जगह है ये नॉर्मल में भी, तो बहुत सारा टैलेंट है। इस दफ़ा भी 3 लड़के अंडर 16-13 में सिलेक्ट होके गए थे, तो मेरा यही जहन में ख्याल आया कि बस यहाँ पे एक सेटअप देते हैं इन लड़कों के लिए ताकि ये आगे जा सके और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। जी बिल्कुल, बगैर एकेडमी के आप के प्लेयर की ग्रूमिंग नहीं होती है बड़ी क्रिकेट खेलने के लिए। जैसा कि आप PSL या पाकिस्तान लेवल की क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसा ग्रेड 2 हो गया सीनियर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 वगैरह, तो उसमें आप खेल नहीं सकते, बहुत सारी मुश्किलात होती है, आपकी टेक्निकल इशू होती है, हर बैट्समैन के अंदर गलतियां होती है, तो वो आप जब तक आपके पास एकेडमी कोचिंग लेवल ना हो आपके पास वो चीज़ें ठीक करने के लिए टाइम मिलता है। ये नॉर्मल की तारीख में आई थिंक ये फर्स्ट इनिशिएट इस महेश के ने उठाया है, तो ये जो न्यू जो यंगस्टर जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और हम इनको बेस्ट विशेस कहते हैं कि इनका जो एकेडमी है ये दिन रात ये तरक्की करे, और इंशाल्लाह ये इधर जो नज़र भी आ रहा है जो यंगस्टर क्रिकेटर्स रात के इस फ्लैट लाइट में आके प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, साथ में इनको हम अप्रिशिएट करते हैं। ये सारा क्रेडिट जो है ये महेश अब्बास को जाता है। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और महेश अब्बास को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसने यंग टैलेंट जो लड़के हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म नॉर्मल में इसने सेटअप बनाया अपना। तो पूरी जीबी में ऐसा होना चाहिए कि हम इधर से जो 19 के लिए जाते हैं तो हम कभी नेट हम लोगों ने नहीं खेला है, उधर जाके हमें बहुत मुश्किलात होते हैं खेलने में। माशाल्लाह से ये बताएगा कि आपने अंडर 19 अंडर 16 बगैर मतलब नेट प्रैक्टिस के यहाँ से गए हुए हैं बगैर एकेडमी के ट्रेनिंग के। हाँ ये तो उधर जाके हमें मुश्किलात होते हैं क्योंकि जो नेट में जो बंदा अपना शॉट परफेक्ट शॉट का वो प्रैक्टिस करता है तो उधर जाके वो खेलने में आसानी होती है ग्राउंड के अंदर, तो ये जो नेट नहीं खेला तो फिर मुश्किलात आते हैं प्लेयर को। अगर नेट में वो एक दो दिन अपना प्रैक्टिस को जारी रखता है तो फिर वो शॉट खेलने में आसानी होती है। अच्छा, आखिर नौजवान जो क्रिकेटर यंग बच्चे जो आ रहे हैं एडमिशन लेने के उनको आप क्या पैगाम देंगे? मैं ये पूरी जीबी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आए महेश अब्बास की इस एकेडमी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और इधर नेट खेले, महेश अब्बास आपको और भी कुछ सिखाएगा, जिसके पास कितनी कुछ नहीं आ जाए महेश अब्बास वो सब कुछ इधर देता है लड़कों को और खेले और अपना टैलेंट को आगे लेके जाए। चले ये थे सन्नी जो कि अंडर 19-16 और जीबी रीजन सतह पर भी खेल चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल के इधर आए।